Hello dear students, now I am going to teach you class 5th mathematics Prachi publication. It is chapter number 11, profit and loss. Introduction to profit and losses. Suppose I am giving one example. A shopkeeper buy a TV set for rupees 8000 and sells it for rupees 8200. Naturally he get 200 more than he pays for it. In this case 200 is a gain or profit. यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाहूँगी, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस क्या होती है, प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है. एक शॉपकीपर ने 8000 में एक टीवी सेट परचेस किया और उसे 8200 में बेच दिया. परचेसिंग करना मतलब ये है कॉस्ट प्राइस, जिसमें हमने टीवी सेट को ख़रीदा उसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस. सेल्स मतलब होता है सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस में हमने टीवी सेट को बेचा. और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच जो डिफरेंस है 200 रुपीस, ये होगा हमारा प्रॉफिट. क्योंकि हमें ज़्यादा पैसे मिले हैं इसलिए इसे प्रॉफिट कहेंगे या गेन भी कह सकते हैं. बट अगर हमने टीवी सेट 8000 रुपीस में परचेस किया होता और उसे सेल करते हम 7800 रुपीस में, तो इस कंडीशन में हमें 200 रुपीस का लॉस होता. 200 हमको लेस मिलते हमारी सेलिंग, हमने जो कॉस्ट प्राइस थी उससे 200 अगर हमें कम मिलते तो उसे हम कहते लॉस वुड बी 200. तो इस तरह से मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना चाहूँगी सारे कॉन्सेप्ट. कॉस्ट प्राइस मतलब होती है हमने जिसमें किसी चीज़ को ख़रीदा, यानी 8000 थी हमारी कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस होती है जिसमें हमने किसी चीज़ को बेचा, यानी 8200 था हमारा सेलिंग प्राइस. जब कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है तो हमें हुआ 200 का प्रॉफिट. सेकंड केस अगर मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमारी कॉस्ट प्राइस थी 8000, हमने एक टीवी सेट को 8000 रुपीस में ख़रीदा था और उसे 7800 रुपीस में सेलिंग प्राइस मतलब बेच दिया, तो हमें यहाँ पर लॉस हो रहा है. यहाँ हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कम है, और जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होती है तो हमें लॉस होता है, और यहाँ हमें 200 रुपीस का लॉस हो रहा है. तो इस तरह से हमें चेक करना है कि जब कॉस्ट प्राइस छोटी है सेलिंग प्राइस से तो हमें होगा प्रॉफिट, और जब कॉस्ट प्राइस बड़ी होती है सेलिंग प्राइस से तो हमें होता है लॉस. है ना, हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे ये चीज़. क्या ध्यान रखना है कि अगर कॉस्ट प्राइस छोटी है सेलिंग प्राइस से तो हमें प्रॉफिट होगा, और अगर कॉस्ट प्राइस बड़ी है सेलिंग प्राइस से तो हमें लॉस होगा. और प्रॉफिट का फॉर्मूला हमें अगर लगाना है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस का फॉर्मूला लगाना है हमें तो लॉस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. तो ये जो चीज़ें मैंने आपको शॉर्ट में समझाई है इसको आपको एक्सरसाइज में फॉलो करना है, और इसी को यूज़ करते हुए हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करते जाते हैं. तो ये है हमारी एक्सरसाइज 11.1. एक्सरसाइज 11.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो MCQ बेस्ड क्वेश्चन है. यहाँ पे हमें 3 MCQs गिवन है. चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. उन 3 ऑप्शंस में से हमें राइट ऑप्शन को चूज़ करना है. तो ये आप अपना सेल्फ कीजिएगा. मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करवा रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ फाइंड द प्रॉफिट और लॉस. हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है चेक करना है, है ना. फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है. फर्स्ट क्वेश्चन में हमें CP दिया है 840 और SP हमें गिवन है 630, है ना. अब मैंने जो लिखा था उसी के नीचे मैं आपको समझा रही हूँ. देखिए, सबसे पहले हम CP और SP को कंपेयर करते हैं. 840 630 से बड़ा है ना, बड़ा है. हाँ ठीक है, बड़ा है. और बड़ा होता है तब हमें क्या मिलता है, लॉस का फॉर्मूला लगाना है. तो मैं यहाँ लॉस का फॉर्मूला लगा दूँ, CP माइनस SP, है ना. अब मैं CP की वैल्यू क्या रखूँगी, क्वेश्चन में मुझे जो वैल्यू दी है मैं वो रखूँगी, और SP की वैल्यू क्या रखूँगी, 630. अब मैं इन दोनों को माइनस कर देती हूँ. 0 माइनस 0 0, 4 माइनस 3 1 और 8 माइनस 6 2. तो ये हुआ मेरा लॉस 210 रुपीज़. ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चंस में यही करना है. पहले आप क्या करेंगे, CP और SP को कंपेयर करेंगे.
लेस देन हुआ तो आप ये फार्मूला लगाना, ग्रेटर देन हुआ तो आप ये फार्मूला लगाना, और इसको पूरा आप सॉल्व करके अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको इसका सेकेंड और थर्ड नहीं बता रही हूँ, सेकेंड और थर्ड सेम ऐसा ही है, उसमें लॉस का फॉर्मूला लगाना है। फोर वाला मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि फोर में आपको गेन का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ CP 180 गिवन है और SP 205 गिवन है ना। तो सबसे पहले मैंने CP और SP को कंपेयर किया, जो CP थी वो SP से छोटी है, तो हमें इसमें हुआ प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। SP की वैल्यू हमें गिवन है 205 और CP की वैल्यू हमको गिवन है 180। अब हम इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। आप चाहे तो इस तरह से माइनस कीजिए, आप चाहे तो इस तरह से कॉलम में लिख के भी आप माइनस कर सकते हैं और अपना आंसर लिख सकते हैं। 5 माइनस 0 5, 0 में से 8 माइनस नहीं होता, 1 बोरो किया, 10 माइनस 8 2, 1 माइनस 1 0, यानी हमें कितना मिल रहा है यहाँ पर, CP हमारा प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 25 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना क्वेश्चन नंबर 2 ईजिली कम्प्लीट कर सकते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 के प्रॉफिट और लॉस दोनों कॉन्सेप्ट बता दिए हैं यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे। जब हमें CP बड़ा है SP से तो लॉस होगा, और जब CP की वैल्यू छोटी है SP से तो प्रॉफिट होता है। अगर लॉस हो रहा है तो लॉस का फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकालिए, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाइए, वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन CP एंड प्रॉफिट गिवन, CP एंड प्रॉफिट गिवन, CP एंड लॉस गिवन, CP एंड लॉस गिवन। 2 क्वेश्चन है जिनमें हमें CP और प्रॉफिट दिया है, 2 क्वेश्चन है जिसमें हमें CP और लॉस दिया है। तो मैं आपको दोनों फार्मूले यहाँ पे पहले बता देती हूँ। यहाँ फार्मूला कैसे यूज़ करना है, हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है। जब CP और प्रॉफिट दिया है तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और जब CP और लॉस दिया है तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। आप में दोनों में सेलिंग प्राइस का ही फार्मूला है, लेकिन प्रॉफिट वाली कंडीशन में प्लस करना है और लॉस वाली कंडीशन में माइनस करना है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन में CP और प्रॉफिट दिया है, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम प्लस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, यानी CP प्लस प्रॉफिट। CP की वैल्यू आपको गिवन है 955 और प्रॉफिट की वैल्यू आपको गिवन है 155.90। हम इनका एडिशन कर लेते हैं, 0.90 एज इट इज़, 5 5 10 कैरी ऑन 1, 5 5 10 and 1 11 कैरी ऑन 1, 9 plus 10 and 1 11। अगर आपको इस तरह से एडिशन समझ में नहीं आ रहा है मैंने जैसा किया है, तो आप ऐसे जैसे नॉर्मल एडिशन करते हो आप लोग, इस तरह से आप कर लीजिएगा, आपको यही आंसर तब भी मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 अपना कंप्लीट करना है। सेकंड क्वेश्चन भी आपका प्रॉफिट वाला है, इसलिए मैं सेकंड क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उसमें यही सेम फार्मूला लगाना है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट। CP की और प्रॉफिट की वैल्यू रख के उनको प्लस कर दीजिएगा, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे CP जो दिया है वो है 780.25 और यहाँ मुझे लॉस गिवन है 19.75। तो जब CP के साथ लॉस दिया है तब हमें फार्मूला माइनस वाला लगाना है, यानी CP माइनस लॉस। तो मैं वैल्यू रख देती हूँ पहले, CP की वैल्यू मैंने रख दी 780.25 और लॉस की वैल्यू रख दी मैंने 19.75। अब इसे मैं डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करने के बजाय थोड़ा सा अरेंज करके सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, वो आपके लिए ईजी हो जाता है, आपको इस तरह से समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको यहाँ पर 780.25 में से 19.75 थोड़ा अरेंज करके सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। कैसे करेंगे, 5 माइनस 5 0। अब 2 में से 7 माइनस होता नहीं, यहाँ भी 0 है, यहाँ से भी बोरो नहीं बन रहा है, तो 8 से हमने 1 बोरो लिया, ये हुआ 10 और 8 के पास बचा 7। अब ये 10 ने अपने पास वाले 2 को 1 बोरो दिया, ये हुआ 12 और 10 के पास बचा 9। 12 ने अपने पास वाले 5 को 1 दिया 15 और ये जो 12 था हमारे पास, यहाँ बोरो करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको कैंसिल कर देती हूँ मैं। यहाँ 12 माइनस हमें यहीं से 5 माइनस 5 हम 0 ऑलरेडी कर चुके हैं, 12 माइनस 7 5 डेसिमल, 9 माइनस 9 0, 7 माइनस 1 6 एंड 7। इस तरह से हमें आंसर मिलेगा 760.50। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट करना है।
फर्स्ट और थर्ड मैंने आपको समझाया है, जैसे मैंने थर्ड में फॉर्मूला लगाया है लॉस वाला, उसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर फोर में भी यही सेम फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन नंबर फोर में आपको लॉस गिवन है सीपी के साथ, तो सीपी और लॉस लिखिए, फॉर्मूला लिखिए, सीपी और लॉस की वैल्यू रखिए, इस तरह से अरेंज करके सबट्रैक्ट कर दीजिए, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है हमारे पास, मोहन बॉट अ टेबल फॉर रुपीज़ 485, ही सोल्ड इट विथ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 60.75, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द टेबल। इसका हिंदी में देंगे इस वर्ड प्रॉब्लम का, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मोहन ने एक टेबल परचेस किया 485 रुपीज़ में, और फिर उसी टेबल को उसने बेच दिया 60.75 रुपीज़ का प्रॉफिट लेकर, यानी उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा 485 में जो प्रॉफिट उसने कमाया है इसको प्लस करना होगा। यानी हमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं, हम सीपी लिख लेते हैं, हम प्रॉफिट लिख लेते हैं। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हमें पता है, जब प्रॉफिट हो तो हम प्लस करेंगे। सीपी की वैल्यू हमें गिवन है 485, प्रॉफिट की वैल्यू हमें पता है 60.75। इन दोनों को हम अरेंज कर लेते हैं कॉलम्स में और एडिशन करते हैं 5, 7 decimal 5, 8 + 6 = 14, कैरी ऑन 1, 1 + 4 = 5। इस तरह से हमें सेलिंग प्राइस मिल रहा है टेबल का 545.75। तो आपको इस तरह से अपनी वर्ड प्रॉब्लम नंबर फोर क्वेश्चन जो है वो अपनी CW में कंप्लीट करना है। आप हैंस करके इसका आंसर लिख दीजिएगा, हैंस द सेलिंग प्राइस ऑफ द टेबल इज रुपीज़ 545.75। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव इज अ शॉपकीपर सोल्ड अ चेयर फॉर रुपीज़ 550 एंड गेट अ लॉस ऑफ रुपीज़ 35, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर। यहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस चेयर का गिवन है 550, लॉस हमें गिवन है 35, और चेयर का जो कॉस्ट प्राइस है वो हमें फाइंड करना है। देखिए किस तरह से क्वेश्चन नंबर फाइव को हम सॉल्व करेंगे, हमें सेलिंग प्राइस गिवन है, लॉस गिवन है, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। यहाँ सेलिंग प्राइस की वैल्यू हम रखेंगे 550, लॉस हमें हो रहा है 35 रुपीज़ का, दोनों का हम एडिशन करेंगे 585, यानी जो कॉस्ट प्राइस है चेयर की वो है रुपीज़ 585। आप इसका वर्ड प्रॉब्लम का आंसर हैंस करके लिख लीजिए, हैंस द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर इज़ 585। नाउ वी विल सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम नंबर सिक्स। अ शॉपकीपर बॉट अ साइकिल फॉर रुपीज़ 1825, He sold it at a loss of rupees 125. Find the selling price of the cycle. यहाँ पे हमें क्या गिवन है, शॉपकीपर ने उसका कॉस्ट प्राइस गिवन है बाइसिकल का, और उसका जो लॉस है वो गिवन है 125, हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, इस वर्ड प्रॉब्लम को आप होमवर्क में सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको नहीं आती है तो आप मुझसे डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज 11.1 है, ये 11.1 कंप्लीट होती है। आई होप आपको सारे सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।